नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 PM शो। आज के शो में बात करेंगे बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बनर्जी को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के विवाद के बारे में। इसके अलावा शो में बात करेंगे ममता बनर्जी पर हो रहे चौतरफा वार के बारे में। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं राम मंदिर निर्माण की खबर से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बनाई जा रही नींव की पहली बार तस्वीरें सामने आई है। नींव की 6 लेयर तैयार हो चुकी है, कुल 44 लेयर बनाई जानी है। ताउते और यास तूफान के कारण हुई बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से काम बंद था, जो सोमवार से फिर शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सोमवार को कामकाज देखने के लिए मंदिर परिसर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये काम अगले अगस्त महीने तक पूरा होगा। देश में 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया। पोस्ट कोविड की समस्या की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसके बाद उन्हें यहां भर्ती कराना पड़ा। 21 अप्रैल को वे कोरोना की चपेट में आए थे, इसके बाद 5 से 6 मई के दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। एम्स अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। कोरोना से स्थिति सामान्य होने के बाद इंदौर को अनलॉक करना अब बड़ी चुनौती है, जिसे देखते हुए इंदौर नगर निगम ने 3 स्तरों पर मापदंड तैयार किया है। जिन व्यापारिक गतिविधियों को छूट दी गई है, उन्हें सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इन व्यवसाय में पर्याप्त सैनिटाइजेशन, मास्क और अन्य गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। साथ ही शहर के जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध है और कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के कोने कोने में निगम के वाहन अलॉटमेंट कर आवश्यक जानकारियां देकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है। जो कलेक्टर सर का ऑर्डर है, उसमें जो भी अनलॉक में गतिविधियां ओपन की गई हैं, कुछ गतिविधियां हैं जिनको प्रतिबंधित रखा गया है। नगर निगम की टीम के साथ में कल प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम को भी एक ज्वाइंट ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें उन सभी को बताया गया था कि आज क्या कार्रवाइयाँ करनी है। हम लोगों का जो मेजर फोकस है वो इन्हीं 2-3 चीज़ों पे रहेगा। पहला कि जितनी भी गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त हैं वो सुचारू रूप से चल सके, लेकिन उन पे लोग मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरा, यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधियां हैं और कोई दुकान खुली हुई है तो सख्त निर्देश दिए गए हैं कि टीम उनको सील करे, उनके खिलाफ जो सुसंगत धाराएँ हैं उनमें कायमी भी की जाए। इसके अलावा जो लोग मास्क पहन के बाहर नहीं निकल रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करें। साथ ही साथ उन्हें मास्क और सैनिटाइजर का एक पैकेट जो हम लोगों ने बनाया है वो भी वितरित करें। उद्देश्य ये है कि जो अनलॉक की प्रक्रिया को स्लोली रखा गया है, पहले अति आवश्यक सेवाओं को रखा गया है, तो उसका उद्देश्य यही है कि शहर खुले लेकिन संक्रमण की दर नियंत्रित रहे, हम सभी का व्यवहार नियंत्रित रहे। तो सभी लोग कोविड के अनुरूप बिहेवियर के साथ में हम लोग शहर खोलेंगे, उसके साथ में पूरा शहर भी चलेगा, तो ऐसी हम लोग की अपेक्षा है। ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापन बनर्जी को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार का विवाद अभी थमा नहीं है। केंद्र ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नए मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय पर कार्यवाही कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से गायब रहने पर केंद्र ने अलापन को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिस पर उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। अलापन के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B भी लगाई गई है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झूठा करार दिया। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने यास तूफान के रिव्यू के लिए बैठक की, इस बैठक में ममता नहीं पहुंची। बैठक से गायब होने की जो वजह उन्होंने बताई वो झूठी है। धनखड़ ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी ने 27 मई को रात 11:15 बजे मुझे मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि क्या मैं आपसे अभी बात कर सकती हूँ, अर्जेंट है। ममता ने फोन पर इस बात के संकेत दिए कि पीएम की मीटिंग में वो और उनके अधिकारी नहीं जाएंगे, जनता की सेवा के ऊपर उनका अहंकार हावी हो गया। झूठी बातों से मजबूर होकर मैंने पूरा रिकॉर्ड सामने रख दिया है। आज के शो में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।